हेलो बचा लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दिग्गू भैया और मेरा नाम है दिग्विजय शर्मा। जनाब हाजिर हूं मैं क्लास नाइन्थ के लिए चैप्टर टू पॉलीनोमियल्स का एक टॉपिक लेकर जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। और गारंटी लेता हूं जनाब, अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो रिमाइंडर थ्योरम का आप आज के बाद से धुआं ना दोगे, कभी आपको ये रिमाइंडर थ्योरम दिक्कत नहीं देगा। तो चलिए बच्चा लोग स्टार्ट करते हैं। सो रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस करने से पहले, ये जानने से पहले, कुछ टर्म्स जो हैं वो आपको पता होनी जरूरी है। देखिए बच्चा लोग, पीएक्स जो है बच्चा लोग, यहां पे हम क्या कहते हैं, डिविडेंड को हम पीएक्स कहते हैं। डिविडेंड को क्या कहते हैं, पीएक्स कहते हैं। जीएक्स बच्चा लोग, डिवाइजर को हम जीएक्स कहते हैं। क्यूएक्स, क्वेश्चेंट को हम लोग QX से डिनोट करते हैं। एंड RX, RX को बच्चा लोग हम लोग रिमाइंडर से डिनोट करते हैं। ठीक है, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वेश्चेंट, रिमाइंडर। डिविडेंड को PX से, डिवाइजर को GX से, क्वेश्चेंट को QX से, रिमाइंडर को RX से डिनोट करा जाता है। तो सर जी, ये डिविडेंड, डिवाइजर, क्वेश्चेंट, रिमाइंडर क्या होता है, एक बार वो तो बता दो। तो सुनो मेरी बात, जैसे मान लो आप 7 को 3 से डिवाइड कर रहे हो, 7 को 3 से डिवाइड कर रहे हो तो कितना होगा बच्चा लोग, 3 2 6, कितना बच गया, 1। माइनस करते हैं, 1 आ गया। तो सुनो मेरी बात, यहां पे जो ये 7 देख रहे हो, 7, ये जो 7 है ना आपका, वो डिविडेंड है। क्या है बच्चा लोग, डिविडेंड है। और ये जो आप 3 देख रहे हो, ये 3 वो क्या है आपका, डिवाइजर है। और ये बच्चा लोग ये 2 देख रहे हो, 2, ये जो 2 है आपका वो क्वेश्चेंट है। क्या है बच्चा लोग, क्वेश्चेंट है। और बच्चा लोग ये लास्ट में 1 देख रहे हो जो बच गया, इसे हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। बोलिए यहां तक ये समझ आ गया, ये जो 7 है डिविडेंड, डिवाइजर, क्वेश्चेंट, रिमाइंडर। अब मैं कहूं आप लोगों से, ये जो 7 है ना, ये जो 7 है, ये जो 7 लिखा है, इस 7 को वापिस लाओ, किस किस की हेल्प से, डिवाइजर, क्वेश्चन और रिमाइंडर की हेल्प से, मुझे डिविडेंड लेकर दिखाओ, डिविडेंड लाकर दिखाओ कैसे आएगा। तो आप कहोगे सर जी काम करो, आप ना इस डिवाइजर को क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, 3 2 6, एंड रिमाइंडर क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, डिविडेंड मिल जाएगा। अच्छा देखते हैं जनाब, 3 2 6 + 1 7, भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। तो इसका मतलब ये हुआ, जो डिविडेंड होता है, एक हमें फॉर्मूला मिल गया, जो डिविडेंड होता है वो क्या होता है जनाब, डिवाइजर इनटू क्वेश्चेंट। बच्चा लोग इसको मैं यहां लिख देता हूं, ये 1 है वो क्या है आपका, रिमाइंडर है। ठीक है, डिवाइजर इनटू क्वेश्चेंट प्लस रिमाइंडर, ये लीजिए जनाब बिल्कुल सही, एक हमें क्या मिल गया, फॉर्मूला मिल गया, रिमाइंडर थ्योरम इसी को हम कहते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है बच्चा लोग, ओके। अब देखो यहां पे, अब इनको बनाओ, इनको 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 लेकर बनाओ फॉर्मूला। डिविडेंड को आपने क्या कहा है, पीएक्स कहा है। डिवाइजर को आपने क्या कहा है, GX कहा है। क्वेश्चन को आपने क्या कहा है, QX, ये G है बच्चा लोग और ये Q है, कंफ्यूज मत हो जाना, QX है। और रिमाइंडर क्या है आपका, RX है। बोलिए देवी और सज्जनों, क्लियर रहेगा, PX इज इक्वल टू GX इंटू QX प्लस RX। बस ध्यान ये रखना है कि जो PX होता है वो डिविडेंड, QX क्वेश्चन, RX रिमाइंडर और GX डिवाइजर। ठीक है बच्चा लोग, क्लियर है ये। अब इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। ठीक है, सो देखिए बच्चा लोग, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, PX इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 8X एंड GX इज इक्वल्स टू X माइनस 1। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, PX को हम डिविडेंड से डिनोट करते हैं और GX को डिवाइजर से। और जनाब जब डिवाइड करते हो तो डिवाइजर कहां होता है, बाहर, और जो डिविडेंड होता है वो अंदर। तो क्या जनाब लिखने का तरीका सही है हमारा, ना मुन्ना ना। यहां देखो, इस x की खोपड़ी पे कुछ नहीं है, इसका मतलब जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है।
पहले पावर टू, फिर वन, और जब एक्स नहीं है उसको सबसे पीछे। यहां हमने गलती कर दी, तो सही भी हम ही करेंगे। चलो जनाब, एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस नाइन, अब जाकर हमारा बिल्कुल सही हुआ। अब सुनो, एक तरीका बता रहा हूं जनाब, जो आप उस तरीके से सभी क्वेश्चन की लंका लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो करना कैसे, वो सुनो। x माइनस वन यहां हमेशा खाली छोड़ना है, ठीक है, यहां हमेशा ब्रैकेट को खाली। सबसे पहले बताओ बच्चा लोग क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर ना, तो यहां लिखो x स्क्वायर, बाकी सबको नहीं देखना, सबसे पहला x स्क्वायर है तो उसको लिखो। अब डायलॉग ये मारना है, ये रफ काम है बच्चा लोग आपका, डायलॉग ये मारना है, मैं यहां क्या लिखूं, ये जो x है, वो क्या बन जाए बच्चा लोग, x स्क्वायर बन जाए। मैं यहां क्या लिखूं, पीछे माइनस वन को मत देखो, मैं यहां क्या लिखूं, ये जो x है x स्क्वायर बन जाए। एक x और लिख दो, क्योंकि इस वाले x को इस x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर। मैं यहां क्या लिखूं, ये जो x है x स्क्वायर बन जाए, तो x लिख दो, बिकॉज x इंटू x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। तो बच्चा लोग यहां क्या लिखेंगे, हम लोग x लिखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर। ये था स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर वन फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं यहां क्या लिखूं, ये जो x है x स्क्वायर बन जाए, x लिख दो मेरे भाई, क्योंकि x इंटू x क्या होगा, x स्क्वायर। स्टेप नंबर टू, ये जना अब बारी है माइनस वन की, अब माइनस वन को इससे मल्टीप्लाई करवाओ तो क्या आएगा, माइनस एक्स। स्टेप टू में जो पीछे वाली संख्या लिखी होती है, डिजिट लिखी होती है, उसको इससे मल्टीप्लाई करवाना होता है, तो माइनस वन इंटू एक्स कितना हो गया आपका, माइनस एक्स हो गया। तो माइनस एक्स को आप लोग यहां लिख दो। बोलिए बच्चा लोग समझ आया, ये था आपका स्टेप टू। स्टेप नंबर थ्री, नीचे वाले का साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। बोलिए बच्चा लोग समझ आया, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। और बच्चा लोग ये प्लस का और ये माइनस का, अब ये प्लस का नहीं रहा, माइनस का हो चुका है, तो ये प्लस का और ये माइनस का बर्बाद हो गया। अब ये जो x है वो माइनस का नहीं रहा, प्लस का हो चुका है, तो 8x प्लस 1x कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 9x। क्लियर है, इस माइनस नाइन को ऐसे लिख दो। फिर से वही काम बच्चा लोग, फिर से वही काम। यहां क्या है, x माइनस वन खाली छोड़ा, क्या चाहिए मुझे, 9x चाहिए बच्चा लोग, 9x चाहिए। मैं यहां क्या लिखूं, ये जो x है इस 9x जैसा बन जाए। तो जनाब जरूरत है x की, और मेरे पास x है, जरूरत है 9 की, क्या आपके पास 9 है मल्टीप्लाई में x के साथ, नहीं है ना, उसको लिख दो। कहने का मतलब बच्चा लोग, हमें इसको इसके जैसा बनाना होता है, और जिस चीज की कमी होती है उसको हमें लिख देते हैं, यानी कि बच्चा लोग प्लस का 9 लिखूंगा तो इसके जैसा बन जाएगा ना। स्टेप नंबर टू, बाद वाले की इससे मल्टीप्लाई कराओ, तो माइनस का 9 यहां पे लिख दो। स्टेप नंबर थ्री, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। बच्चा लोग ये क्या हो जाएगा, बर्बाद, और ये माइनस का नहीं रहा, ये प्लस का हो चुका है, तो ये माइनस का और ये प्लस का, ये भी क्या हो जाएगा, बर्बाद। आंसर आ गया आपका जीरो, रिमाइंडर जीरो आ गया। बोलिए बच्चा लोग क्वेश्चन समझ आया, एक क्वेश्चन दू, आप लोग भी साथ साथ करना, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चा लोग। बोलिए क्लियर है, कोई दिक्कत हो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, बस इसी तरीके से बच्चा लोग, फिक्स प्रोसीजर है ये, इसी तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन की लंका लगा सकते हो। इस बार बच्चा लोग पॉलिनोमियल है हमारा 4x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 8, नहीं कुछ और ले लेता हूं, 4x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 4, और ये हो गया मेरा 2x माइनस 1, ठीक है। पहले चेक करो क्या ये बड़े पावर से छोटे पावर की तरफ जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है बच्चा लोग, पहले 2 फिर 1, और यहां पे तो है ही नहीं, बिल्कुल सही है। चलिए सबसे पहला प्रोसीजर काम बच्चा लोग हम लोग वही करेंगे, 2x माइनस 1 खाली छोड़ा, यहां पे क्या लिखा है बच्चा लोग, 4x स्क्वायर। फिर से वही डायलॉग, मैं यहां क्या लिखूं, ये जो 2x है इसके जैसा बन जाए। ओए मुझे x का स्क्वायर चाहिए, क्या मेरे पास है, नहीं नहीं एक ही x है बच्चा लोग, है ना, एक x की और जरूरत है ना, तो लिख दो ना। फिर आपको 4 चाहिए ना बच्चा लोग, 4 तो 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, तभी तो 2 2 से क्या हो जाएगा, यहां पे 4 हो जाएगा बच्चा लोग, 4 हो जाएगा।
आया समझ में? सो बच्चा लोग यहाँ पे आप 2x लिखोगे तो क्या बन जाएगा, 4x square बन जाएगा। नहीं आया समझ में? मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये देखो आपको जो x का स्क्वायर, आपके पास एक x है तो एक x की और जरूरत है ना। आपको जो ये 4, आपके पास है 2, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो आप 2 लिखोगे तो 2 टू द 4 नहीं बन जाएगा, यानी कि आप प्लस का 2x लिखोगे बच्चा लोग, तो ये 4x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, स्टेप नंबर 2 देखिए बच्चा लोग, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, सो ये हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, स्टेप नंबर 3 साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये बच्चा लोग क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ओके, अब ये देखिए माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 गया, देखिए माइनस का नहीं ना बच्चा लोग, ये प्लस का हो चुका है, तो माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 गया, 3x, 5 बड़ी वैल्यू है जनाब, आप जानते हैं कि जो वैल्यू बड़ी होती है उसका साइन लगता है, तो 5 बड़ी वैल्यू है, माइनस का साइन है तो आगे माइनस लगेगा, और ये हो गया प्लस का 4। ठीक है बच्चा लोग, सो 2x माइनस 1 खाली छोड़ा, माइनस का 3x। अब देखो जनाब, अब देखो क्या गेम खेलना होगा यहाँ पे बच्चा लोग, मैं यहाँ पे क्या लिखूं, ये जो 2x है वो माइनस का 3x बन जाए। आपको x चाहिए, आपके पास x ऑलरेडी है, आपको चाहिए माइनस का 3, क्या आपके पास माइनस का 3 है? नहीं है ना, तो लिख दो फिर, माइनस का 3 नहीं है तो लिख दो फिर बच्चा लोग, ये लीजिए माइनस का 3। ओए मेरे पास तो 2 है लेकिन मुझे यहां पे 2 नहीं चाहिए, इस 2 को यहां से जाना होगा। जनाब जिस चीज की जरूरत होती है उसको आप लिख देते हो, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि 2 आपके पास है और 2 आपको यहां पे नहीं चाहिए, तो 2 को यहां से जाना होगा। और जनाब जब कोई जाना है तो उसे क्या, कहां भेज दो उसको, अपॉन में भेज दो, डिवाइड में भेज दो। जब चाहिए होता है तो मल्टीप्लाई करते हो, जब गायब करना होता है तो डिवाइड में कर दो। यानी कि बच्चा लोग आप माइनस का 3/2 लिखोगे तो ये इसके जैसा बन जाएगा। स्टेप नंबर 2, इसके इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस, और 1 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चा लोग वही आएगा, तो ये आ गया 3/2। माइनस है तो प्लस, और 3/2 बच्चा लोग किस चीज का आएगा, प्लस का आएगा, प्लस का, तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, बच्चा लोग नीचे वाले का साइन चेंज होता है, सो ये माइनस का और ये प्लस का, बर्बाद हो गया। ये हो गया 4 और ये हो गया माइनस का 3/2, बिकॉज बच्चा लोग ये प्लस का नहीं रहा, माइनस का हो चुका है, तो माइनस का 3/2। सो 4 × 8 माइनस 3/2, 8 माइनस 3 बच्चा लोग कितना हो गया, 5/2। सो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 5/2 आएगा। तो कहने का मतलब बच्चा लोग, इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या लेकर आया, ट्विस्ट ये लेकर आया कि आपको यहां पे 2 आपके पास था, आपको नहीं चाहिए था, तो जब नहीं चाहिए होता है तो उसको हम अपॉन में डाल देते हैं। आया समझ में बच्चा लोग, सेकंड पार्ट क्लियर है? चलो अब थर्ड पार्ट की तरफ। अब थर्ड पार्ट में एक अलग ही ट्विस्ट लाऊंगा जनाब, क्योंकि दिग्गू भैया हर एक टॉपिक को करेंगे और आप लोगों को अच्छे से समझाएंगे, और फिर आप लोग जनाब फुल मार्क्स लाना और कमेंट में बताना आपने पेपर का धुआं कैसे बनाया। ठीक है बच्चा लोग, सो चले अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग भी बच्चा लोग ट्राई करते रहना, आप लोग भी बच्चा लोग ट्राई करते रहना। क्वेश्चन जो है वो ये है, 4x³ माइनस 8x+1, और ये है आपका x+1। x+2 कर लूं, चलो x+2 लेता हूं, इसको मैं 9 कर लेता हूं। ठीक है बच्चा लोग, ये क्वेश्चन है, आप लोग भी करना जनाब, आप लोग भी करना, लेकिन यहां पे जनाब जो ट्विस्ट है ना, मत पूछिए, मत पूछिए जनाब। अब ये देखो जरा, इस बार हमारे साथ गेम ये खेला गया, गेम ये खेला गया बच्चा लोग कि पावर 3, ओए पावर 2 वाला तो है ही नहीं, पावर 1 वाला है फिर यहां पे है ही नहीं, मतलब 2 वाला कहां गया, कैसे करेंगे? अरे मैं बताता हूं, देखो कैसे करेंगे, इसको भी गायब करो, ये कहां गंदगी फैला रहे हैं पहले वाले क्वेश्चन। चलिए देखिए बच्चा लोग, सेम वही प्रोसीजर, क्वेश्चन कैसा होगा, करने का तरीका वही है आपका। 4x³, मैं यहां क्या लिखूं, ये जो x है वो 4x³ बन जाए। बच्चा लोग आप लोगों को चाहिए x की पावर 3, है ना, आपके पास है 1x, कितने x की जरूरत है, x के स्क्वायर की, तो लिख दो फिर यहां पे। साथ में क्या चाहिए आप लोगों को, 4 चाहिए, क्या आपके पास है, नहीं है तो लिख दो। यानी बच्चा लोग आप 4x² लिखोगे तो इसके जैसा बन जाएगा, है ना, आप 4x² लिखोगे तो इसके जैसा बन जाएगा। स्टेप 2,
स्टेप टू, इसके इससे मल्टीप्लाई, टू फोर जा 8x2, टू फोर जा 8x2, ठीक है ना बच्चा लोग, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस प्लस प्लस, तो यहां लिख दीजिए आप लोग 8x2। फिर स्टेप थ्री, नीचे वाले का साइन चेंज, नीचे वाले का साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, अरे बच्चा लोग ये प्लस का और ये माइनस का बर्बाद हो गया, ये माइनस का और ये माइनस का ये इग्नोर करो, ये वाला साइन अब इसको देखो, तो ये माइनस और ये माइनस, प्लस कर दूं मैं प्लस माइनस, ना मुन्ना ना, ये पावर टू है और ये पावर वन है, आप इनको प्लस माइनस नहीं कर सकते। सो देखिए इसको एज इट इज लिख दो, लेकिन साइन जो होगा बच्चा लोग वो माइनस का होगा, और ये हो गया माइनस नाइन एक्स प्लस वन। फिर से बच्चा लोग फिर से वही काम, एक्स प्लस टू खाली छोड़ो, माइनस का टू एक्स स्क्वायर, मैं यहां क्या लिखूंगी, ये एक्स इसके जैसा बन जाए, एक्स की पावर टू चाहिए, मेरे पास एक ही एक्स पड़ा है, कितने एक्स की जरूरत है बच्चा लोग बोलो, कितने एक्स की जरूरत है, एक एक्स की जरूरत है, तो लिख दीजिए। साथ में क्या चाहिए आपको, माइनस एट, क्या आपके पास माइनस एट है, नहीं है ना, तो लिख दो माइनस का 8x, यानी मैं माइनस का 8x लिखूंगा तो ये माइनस 8x2 बन जाएगा। स्टेप टू बच्चा लोग इसकी इससे मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, 28 जा 16x, ठीक है बच्चा लोग, ये हो गया माइनस का 16x, ये माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, बर्बाद हो गया, और ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस प्लस क्या होता है बच्चा लोग, माइनस 16 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा आपका ये 7x प्लस 1, 16 बड़ी वैल्यू है, प्लस का साइन है, तो आगे हम प्लस नहीं लगाएंगे। फिर से वही काम बच्चा लोग, फिर से फिक्स प्रोसीजर बताया बच्चा लोग आप लोगों को मैंने, मैं यहां क्या लिखूं, ये जो x है इसके जैसा बन जाए, जनाब मुझे x चाहिए, मेरे पास x ऑलरेडी है, उसके साथ में क्या है 7, क्या आपके पास है, नहीं है ना, तो लिख दो ना, फिर लिख दो, यानी आप 7 लिखोगे तो ये इसके जैसा बन जाएगा, तो प्लस का 7, ये हो गया 7x, बेन बच्चा लोग इसकी इससे मल्टीप्लाई करवा दो, 7 2 14, सो साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ठीक है बच्चा लोग, ये दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है, हाँ जी बहुत बढ़िया। अब ये बच्चा लोग ये प्लस का माइनस का बर्बाद हो गया, प्लस माइनस माइनस ये 14 है बच्चा लोग, प्लस माइनस माइनस ये 14 है, प्लस माइनस माइनस 14 माइनस 1 कितना हो गया 13, 14 बड़ी वैल्यू है, माइनस का साइन, तो आगे क्या लगेगा बच्चा लोग, माइनस लगेगा, सो रिमाइंडर कितना आ गया माइनस 13। सो आज की क्लास में बच्चा लोग रिमाइंडर थ्योरम में मैंने पूरी कहानी आप लोगों को समझा दी, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन समझा दिए, करने का एक फिक्स तरीका बता दिया, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 के साथ। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।